नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड टैक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉर्ड गणेशा की, दैट मींस गणेश जी की। लॉर्ड गणेशा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉड्स इन इंडिया एंड ही इज़ नॉट इवन वर्शिप्ड हियर, ही इज़ आल्सो वर्शिप्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। गणेश जी के बारे में मैं इसलिए भी बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि देर आर दीज सीक्रेट्स, देर आर दीज सिग्निफिकेंस, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस विच आर देयर इन हिज लाइफ, जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जिसको हम एक्चुअली में इग्नोर कर देते हैं। अक्सर जब हम इन गॉड्स एंड गॉडेसेस की बात कर रहे हैं तो दीज आर एक्चुअली एनर्जीज, दे आर ट्राइंग टू यू नो गिव अस सम काइंड ऑफ अ लेसन, दे आर ट्राइंग टू टीच अस समथिंग, और वो कुछ ना कुछ जो है उसका एक डीपर सिग्निफिकेंस है, एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है आपकी लाइफ में। दैट इज़ वाई दे वर देयर, दे वर क्रिएटेड फॉर यू एंड देर वॉज अ पर्पज फॉर इट। सो इन दिस वीडियो स्टार्टिंग विद दिस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लॉर्ड गणेशा एंड वी सीक हिज ब्लेसिंग विद दिस वीडियो। तो जब भी कोई हम काम शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी को याद करते हैं। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? और अक्सर अगर आप लोगों से पूछेंगे तो वो यही उनके भीतर जो होता है एक डर बैठा होता है, उनके भीतर एक डर होता है कि अगर हमने गणेश जी को याद नहीं किया तो हमारे काम खराब हो जाएंगे, कि हमें जो सक्सेस मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। लेकिन इस सब प्रोसेस के पीछे, वो जो गणेश जी की हम पूजा करते हैं, वो जो हम उनको याद करते हैं कुछ भी काम शुरू करने से पहले या फिर कुछ भी जो है नई बिगनिंग से पहले हम गणेश जी को याद करते हैं, उसका उसके पीछे जो है एक डर बैठा हुआ है बहुत सारे लोगों में। और मैं थोड़ा सा उसी के बारे में कहीं ना कहीं बात करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो आपके भीतर कभी डर नहीं होगा। अगर आप इस चीज़, अगर आप गणेश जी के सिग्निफिकेंस को समझेंगे, उनके पर्पस को समझेंगे, तो आपके भीतर कभी भी डर नहीं होगा। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर इज़ दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट रियली गणेश जी इज़। तो पर्पस यही है कि जब अगर हम किसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करने में उसके पीछे डर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके पीछे जो है एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगर हम गणेश जी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये हमें समझने की ज़रूरत है, उनको डिकोड करने की ज़रूरत है। गणेश जी का जो सर है वो एक हाथी का सर है, और हाथी जो है वो सिंबॉलिज्म है विजडम का और पावर का। इसलिए हम कहते हैं जब भी कुछ काम शुरू करना हो तो गणेश जी को याद करो, क्योंकि वो विघ्न मिटा देते हैं। विघ्न कैसे मिटेंगे? विघ्न एक ही तरीके से मिट सकते हैं, अगर आपके पास पावर और इंटेलिजेंस दोनों हो, आपके पास विस्टम हो, इंटेलिजेंस हो, पावर हो, तो आपके विघ्न ऑटोमेटिकली आपके मिट जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट गणेश जी डू फॉर यू, एंड दिस इज व्हाट गणेश जी ब्रिंग्स फॉर यू इन योर लाइफ। सो ही इज अ काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कम्स इनटू यू, विच व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी, व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोसेस, एंड इफ यू स्टार्ट विद गणेश जी, what you are doing is you are converting everything into positivity, what you are doing is you are starting things in a right way। isliye ganesh ji jo hai wo symbolism hai gyan ke aur shakti ke, isi reason ki wajah se hum ganesh ji ko yaad karte hain jab bhi hum kuch process shuru karna chahte hote hain, isliye hum unko vigneshwar bhi kehte hain jo vighn mitate hain। ganesh word ko agar hum dekhen to uska arth hota hai atmabodh, तो उसका आप ये समझिए कि कितना गहरा एक सिग्निफिकेंस जाता है। जब आप अपनी आत्मा को जानते हैं, जब आप स्वयं को जानते हैं, तो कुछ भी आप शुरू करेंगे, कुछ भी प्रोसेस जो शुरू करेंगे, चाहे वो बाहर की जर्नी हो, चाहे वो भीतर आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, अगर आप उस एनर्जी के साथ, उस पॉजिटिविटी के साथ जब आप एंटर करते हैं तो एवरीथिंग बिकम्स ब्यूटिफुल, एवरीथिंग बिकम्स राइट। गणेश जी इज़ ऑल्सो द मोस्ट वर्शिप्ड गॉड इन इंडिया and not only in India, even in abroad। I was surprised, you know, जब मैं first time जो है जब मैं थाईलैंड में था तो मैंने देखा कि ये जो थाई लोग हैं वो गणेश जी के मंदिर उन्होंने बना रखे हैं और वो उनकी पूजा करते हैं। this was so surprising, they were exactly like Hindus। और बात थाईलैंड तक ही सीमित नहीं रह जाती, उनकी पूजा जो है पूरी दुनिया में होती है। गणेश जी जो है वो पुत्र हैं शिव और पार्वती के। शिव जो है वो सिम्बॉलिज्म है आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, और पार्वती जो है वो सिंबॉलिज्म है आपकी सांसारिक यात्रा के लिए। तो गणेश जी जो है वो एक तरह के ब्रिज है, ही इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन वेयर द स्पिरिचुअलिटी एंड द वर्ल्ड मीट्स, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा वर्शिप किया जाता है। कारण यही है
क्योंकि ही इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअलिटी टुगेदर। अगर हम थोड़ा और सिम्बोलिज्म के बारे में बात करें उनके, तो उनके हाथ का जो शस्त्र है सिम्बोलिज्म है अज्ञान का नाश करने के लिए। बड़ा सर जो है बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, बड़े कान जो है वो श्रवण की क्षमता का प्रतीक है। उनकी दो पत्नियां हैं बुद्धि और सिद्धि। ओम को जो है गणेश जी के सिंबल में भी बनाया जाता है, उनको जो है ऑलमोस्ट ओम का सिंबोलिज्म ही माना जाता है। अगर आप तमिल शब्द के अंदर जो है अगर आप ओम को लिखेंगे, वो ऑलमोस्ट जो है वो गणपति जी का सर दिखेगा। सो ही इज़ वन ऑफ द हैप्पी प्रॉस्पेरस एंड पॉजिटिव गॉड हु मेक्स योर ट्रबल डिसअपीयर्स। अगर गणेश जी आपकी लाइफ में है तो ही ब्रिंग्स पॉजिटिविटी, ही ब्रिंग्स विस्डम, ही ब्रिंग्स इंटेलिजेंस एंड ही ब्रिंग्स पावर। और गणेश जी के जो वाहन है वो है चूहे। अब आप सोचेंगे इतने बड़े शरीर के लिए इतना छोटा सा वाहन, अगेन इसको अगर आप लिटरली लेंगे तो फिर आप गड़बड़ कर देंगे, तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, क्योंकि ये सिम्बोलिज्म है, समझने की चीज़ें हैं, इसके पीछे बहुत गहरे रीजंस हैं और इन सब के पीछे जो है आपको समझाने के लिए कुछ पर्पस है। तो जब हम चूहे की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम सिंपली एक छोटी सी बात ये कहना चाह रहे हैं वहाँ पे कि जब भी ट्रबल्स आती हैं, जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, चूहे को अपना रास्ता निकालना आता है। उसको पता है कि कैसे बच के निकलना है, कैसे इन ट्रबल से जो है बाहर आना है। इट सिंपली मीन्स यू नो व्हेन वी से दैट गणेशा इज इन योर लाइफ, दैट मीन्स ही विल टेक योर ट्रबल्स अवे, ही विल मेक द वे आउट। वो कुछ ना कुछ करके आपकी आपको जो है ट्रबल से बाहर निकालेंगे। जितना मर्जी अंधेरा हो, जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, गणेश जी का स्मरण अगर आप करेंगे और गणेश जी की वो जो गणेश जी की अगर सिग्निफिकेंस को समझेंगे, अगर गणेश जी के जो वो जो पावर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर विस्डम और पावर अगर आपके अंदर वो आएगी, तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी आप उससे बाहर आ पाएंगे। एक बात मैं और करना चाहूँगा, हर साल हम गणेश उत्सव बनाते हैं और गणेश उत्सव में बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत अच्छे से गणेश जी बनाते हैं, सजाते हैं और उसको जो है उसके आसपास जो है हम एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं, और एंड में हम उन गणेश जी को जाके समुद्र में विसर्जन कर देते हैं। अब बात सिंपल ये है कि हमने कभी भी इस प्रोसेस को समझा नहीं, इसके पीछे क्या राज है। हम बहुत सारे रिचुअल जो हैं सिर्फ आँख बंद करके कर रहे हैं, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग वाई वी आर डूइंग इट, बिकॉज वी आर डूइंग इट आउट ऑफ फियर। वी आर डूइंग इट बिकॉज वॉट इफ यू नो लाइक इफ यू डोंट डू इट वी विल बी इन ट्रबल, एंड दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा यही होगा कि आप उन चीज़ों को समझें, इस प्रोसेस को समझें, वाई ऑल दिस इज देयर। और इसके पीछे एक बहुत ब्यूटीफुल रीज़न है कि हर चीज़ का जन्म है, हर चीज़ की शुरुआत है और हर चीज़ की मृत्यु है, हर चीज़ का अंत है। सो गणेश उत्सव में भी हम कहीं ना कहीं जो हिंदुओं ने एक बहुत ही एक सुंदर एक उदाहरण दिया है लाइफ की अंडरस्टैंडिंग का। आज जो है उस चीज़ को कितने लोग समझते हैं कहना मुश्किल है, लेकिन इसका पर्पस यही था, इसकी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि गॉड इज़ अ प्रोसेस, गॉड इज़ अ प्रोसेस इन विच यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस इज फिनिश्ड यू लीव द प्रोसेस देयर एंड यू गो बियॉन्ड इट। इसलिए हम देखते हैं कि गणेश जी का विसर्जन होता है। तो यही एक बात है जो समझने की है, दीज गॉड्स एंड गॉडेसेस दे आर लाइक प्रोसेसेस। वो एक नाव है जो आपको नदी के उस पार आपको ले जाएंगे, लेकिन जब आपकी नदी जो है जब आप क्रॉस कर लोगे, जब आप नदी के उस पार पहुंच जाओगे, इट्स टाइम टू गेट डाउन फ्रॉम दैट बोट। उस प्रोसेस को वहीं छोड़ने का टाइम आ गया। यही एक अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and this is what ancient Hindus understood and that is why they had this process of visarjan. Aur jaate jaate agar aap Ganesh ji ke sath judna chahte hain to is mantra ke sath zarur judiye jo ki bahut beautiful mantra hai. Mantra kuch is tarah hai, om gan ganpate namaha, om gan ganpate namaha, om gan ganpate namaha. I hope you enjoyed this video and I hope Ganpati ji blesses you and your family. Thank you so much for watching. I will see you in my next one. Namaste.